देश में कोरोना का कहर एक बार फिर जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम हो गया था, इस वजह से सरकार ने लॉकडाउन वापस लगा दिया था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार कम हुई, वैसे ही सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया, जिसमें दुकानें 4 बजे तक खुली रह सकती हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में आज भी आम पब्लिक को सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है। अभी तक लोकल ट्रेन में सिर्फ एसेंशियल सर्विस वाले ही सफर कर सकते हैं। मुंबई में आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन जल्द शुरू हो सकती है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर का डर देखते हुए महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण कम होने के बावजूद प्रतिबंधों में ढील नहीं दी गई है। कोरोना से जुड़े सारे कड़े नियम कायम हैं। इन्हीं प्रतिबंधों का पालन करते हुए मुंबई लोकल ट्रेनों को आम यात्रियों के लिए बंद रखा गया है। द फेस ऑफ इंडिया के रिपोर्टर स्वाति द्विवेदी और प्रीति विश्वकर्मा ने वहां के लोगों से बात की। वहां के आम जनता ने बताया वो लॉकडाउन से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार को अब जल्द सब चालू कर देना चाहिए। क्या ट्रेन से ही कोरोना फैलता है? बस ऑटो में भी भीड़ रहती है, वो क्यों चालू किया है फिर? नमस्कार, मैं स्वाति द्विवेदी आप सभी दर्शकों का द फेस ऑफ इंडिया में स्वागत करती हूँ। इस समय मुंबई के बोरीवली स्टेशन में मौजूद हूँ। आपको बता दें, जैसे जैसे महाराष्ट्र में पूरे देश में कोरोना का केस बढ़ते गए, वैसे वैसे करके सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। और जैसे ही महाराष्ट्र मुंबई में और नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस में 4 बजे तक दुकान चालू हो सकती है और 4 बजे के बाद कोई भी दुकान चालू नहीं रहेगी। और खासकर बात की जाए मुंबई लोकल ट्रेन की, जिसमें आज भी एसेंशियल सर्विस वालों को ही उपयोग करने की इजाज़त है। आपको बता दें, आम पब्लिक आज भी घर में बैठी है और फर्जी आई कार्ड द्वारा लोकल ट्रेन में सफ़र कर रही है, जिसको देखते हुए आज भी लोकल ट्रेन में बहुत गर्दी रहती है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब ये गाइडलाइन जारी करने वाली है कि शायद से ऐसा भी हो सकता है कि आम पब्लिक में से जिन्होंने कोरोना की 2 डोज लगा दी है, उन्हें अब लोकल ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त मिल जाए। इसी को देखते हुए आज हम यहाँ के आम पब्लिक से बात करेंगे। वैक्सीनेशन लिया या नहीं लिया उससे क्या संबंध है? सफ़र करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए तो सबको परमिशन देना ही चाहिए ना। वो मास्क तो पहन के जाएंगे तो खाली मास्क का कंपल्सन करो कि मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ऐसा आप रख सकते हो। लेकिन वैक्सीनेशन से कोई संबंध ही नहीं है उसका। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी सुना है कि बीमारी आती है, तो उस हिसाब से तो वैक्सीनेशन का उससे संबंध नहीं है। खाली सेफ्टी मेजर्स लो और बोलो ट्रैवल करो सब लोग, टिकट, क्योंकि सबका नुकसान हो रहा है। जो भी प्रोफेशनल है, एडवोकेट है, इंजीनियर है या जो भी हो, उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि उनका रोज़मर्रा में बहुत नुकसान हो रहा है। अगर वो मैटर अटेंड नहीं कर सकते हैं किधर भी, तो टिकट देना भले लिमिटेड टाइम के लिए दिन में दे, लेकिन देवे ज़रूर अभी। और उनका यही है कि भाई टिकट सबको मिले। मैं ऐसा चाहती हूँ कि सबको मिलो, क्योंकि जो बहुत सारे गरीब है, जो जो नहीं जा पा रहे, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, तो सबको टिकट मिले। और जो भी मिडिल क्लास लोग हैं वही सबसे ज़्यादा परेशान है, तो उनको टिकट मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को, अगर लॉकडाउन करने से पहले जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनका ट्रेन ही एकमात्र रास्ता है, जिनके पास गाड़ी नहीं, उनके लिए सबसे पहले रास्ता निकालना चाहिए। उसके बाद ये ट्रेन का ऑप्शन रखना चाहिए कि बाकी लोगों को नहीं जाने, क्योंकि अगर ट्रेन अगर बंद कर देंगे ऑप्शन, तो गवर्नमेंट हर व्यक्ति के घर तो नहीं जा सकता ना, कि आप वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसकी कैसी स्थिति, उसके परिवार में कितने जन है, एक जन कमा रहे हैं कि 4 जन कमा रहे हैं, नहीं जा कर सकता गवर्नमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को ट्रेन का व्यवस्था अगर कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए कि वो कैसे जाएंगे। हर एरिया है, हर एरिया में एक बस रखो प्राइवेट, कौन से एरिया में जा रहे हैं। तो इतना गवर्नमेंट अगर नहीं कर सकती तो ट्रेन का नहीं करना चाहिए। जिस दिन भी ट्रेन खुलेगी पब्लिक भागेगी, तो क्या उस दिन कोरोना नहीं होगा? या 4 बजे के बाद अगर लॉकडाउन कर देते, तो क्या उसके बाद कोरोना नहीं होता है? तो ये सब जो चालू है, ये सब गलत है। इससे कोई कोरोना भागने वाली नहीं है। मेन कोई रास्ता ढूंढ के निकालना पड़ेगा, जिससे सबका भला हो, सबका अच्छा हो। विराट से इधर आएंगे कैसे, कांदिवली में आएंगे कैसे, उनका बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी घर में भाड़े का रूम है, कैसा चलाएंगे, कैसा? अभी हम लोग इधर काम कर रहे हैं, अभी मेरा भी भाड़े का रूम है, कैसा भाड़ा भरूंगा, कैसा क्या रहेगा, दिमाग ही नहीं चल रहा है। ऐसा होता घर बंद करके गाँव में भाग जाओ, ट्रेन ही चालू नहीं है, तो आदमी काम कैसा करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हालो बोला तो कोरोना कोरोना ऐसा ऐसा मुझे तो लग रहा है, कोरोना जो है ही नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों कोरोना, ये जो वैक्सीन जो निकाला, गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन निकाला, वो अभी किधर, तो वैक्सीन ने करोड़ों रुपए खर्चा किया है। वो करोड़ों खर्चा किए तो उन लोग का ऐसे लोग घूमेंगे, यानी ऐसे लोगों का एंट्री देंगे जाने के लिए,
तो वैक्सीन कोई लगवा के नहीं लेगा, ये लोग का कारण है, दूसरा कुछ ये गलत है ना, उन लोग का भी गलत है, सरकार का भी गलत है। अभी आम आदमी कैसा काम करेगा, कैसा घर चलाएगा, कैसा परिवार चलाएगा, वो सफ़र अभी कल की बात है, वडाला स्टेशन पे एक लड़की को एक लेडी पुलिस मार रही थी, उसको क्यों मार रही थी, क्या कारण है उसका, वो काम नहीं कर सकती है क्या, उसको काम नहीं करने का, घर का खर्चा नहीं चलाने का, कैसा भी करने का, कुछ भी करने का, कुछ भी अत्याचार बहुत हो गया है ये लोग का। ये यानी सफ़र करने के लिए, अरे मेरे भाई, अभी मेरे भाई के लड़के आज 8 महीने से घर पे बैठे, उन लोग को काम धंधा नहीं है, विराट से इधर आएंगे कैसे, कांदिवली में आएंगे कैसे, उनका बहुत तकलीफ हो रहा है अभी घर में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देना मांगते हैं, बहुत हाल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है सबको। ऐसा बोला जा रहा है जिन्होंने 2 डोज ली है उनको अब सफर करने दे सकते? देना मांगते हैं, देना ही मांगते। कैसे हालात हो गए अभी लॉकडाउन? अभी तो कम हो गया ना, बहुत पेशेंट भी कम मिल रहे सब, देना मांगते। आपको लगता नहीं कि अगर दे देंगे तो ट्रेन में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, उससे फिर से कोरोना का खतरा हो सकता? नहीं, अभी वैक्सीन देख के देने का ना, पास वगैरह टिकट वैक्सीन देख के देखने का, 2 बार दिया है कि नहीं, वो लोग को देने का है ना, सेफ्टी रहेगा। बहुत बुरा हाल है बेटा, ऐसे तो गरीब लोग जा ही नहीं सकते कुछ, टैक्सी में रिक्शा में क्या, कहाँ से अफोर्ड करेंगे, बस में इतनी भीड़ है, जाएंगे किधर सर, गरीब लोग को देना ही चाहिए। अभी चालू तो किया है, 2 वैक्सीन वाले ट्रेन में जाएंगे, लेकिन कहाँ, किसी लोग छोड़ते ही नहीं, उनको टिकट भी नहीं मिलता होगा, टिकट भी नहीं मिलता है। भाई पब्लिक नहीं है, चल रहे है, जैसे दाल रोटी चल रही है। स्वाति द्विवेदी के साथ प्रीति विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट।